जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं, आज मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी की पौराणिक कथा। जब राम और रावण की सेना के मध्य भयंकर युद्ध चल रहा था और रावण अपने पराजय के समीप था, तभी इस समस्या से उबरने के लिए उसने अपने मायावी भाई अहिरावण को याद किया, जो माँ भवानी का परम भक्त होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का बड़ा ज्ञाता था। उसने अपने माया के दम पर भगवान राम की सारी सेना को निद्रा में डाल दिया तथा राम एवं लक्ष्मण का अपहरण कर उनकी देन को उन्हें पाताल लोक में ले गया। कुछ घंटे बाद जब माया का प्रभाव कम हुआ, तब विभीषण ने यह पहचान लिया कि यह कार्य अहिरावण का है और उसने हनुमान जी को श्री राम और लक्ष्मण की सहायता करने के लिए पाताल लोक जाने को कहा। पाताल लोक के द्वार पर उन्हें उनका पुत्र मकर ध्वज मिला और युद्ध में उसे हराने के बाद बंधक श्री राम और लक्ष्मण से मिले। वहां पांच दीपक उन्हें पांच जगह पर पांच दिशाओं में मिले, जिसे अहिरावण ने माँ भवानी के लिए जलाए थे। इन पांचों दीपक को एक साथ बुझाने पर अहिरावण का वध हो जाएगा। इसी कारण हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धरा। उत्तर दिशा में बराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हैग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस रूप को धरकर उन्होंने वे पांचों दीप बुझाए तथा अहिरावण का वध कर राम लक्ष्मण को उनसे मुक्त किया। इसी प्रसंग में हमें एक दूसरी कथा भी मिलती है, जब मरियल नाम का दानव भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र चुराता है और यह बात जब हनुमान को पता लगती है तो वह संकल्प लेते हैं कि वे चक्र पुनः प्राप्त कर भगवान विष्णु को सौंप देंगे। मरियल दानव इच्छा अनुसार रूप बदलने में माहिर था, अतः विष्णु भगवान ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, साथ ही इच्छा अनुसार वायु गमन की शक्ति के साथ गरुड़ मुख भय उत्पन्न करने वाला नरसिंह मुख हयग्रीव मुख का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा बराह मुख सुख व समृद्धि के लिए था। पार्वती जी ने उन्हें कमल पुष्प एवं यम धर्मराज ने उन्हें पास नामक अस्त्र प्रदान किया। आशीर्वाद एवं इन सब की शक्तियों के साथ हनुमान जी मरियल पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तभी से उनके इस पंचमुखी रूप को भी मान्यता प्राप्त हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।